नमस्कार, मैं हूँ विनय सिंह। आज बात करेंगे जेपीएससी को लेकर के, सातवीं, आठवीं, नौवीं, दसवीं को लेकर के। साथ ही साथ जेएसएससी की वैकेंसी आने में इतनी देर क्यों हो रही है, वहीं संविदा कर्मियों पर सरकार अच्छा सोच रही है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट नौकरी झारखंड में जल्दी मिल जा रही है एज कम्पेयर टू परमानेंट नौकरी, और पारा शिक्षकों के लिए एक अच्छी खबर नहीं है, तो वो क्या नहीं है ये भी बताएंगे। इसके साथ बता दें कि जेपीएससी मुख्य परीक्षा की तैयारी या यूपीएससी मुख्य परीक्षा की तैयारी अगर आप कर रहे हैं, तो अब आपको दिल्ली में 1 लाख रुपये फीस देने की ज़रूरत नहीं होगी। आप कुछ रुपये ही महीना फीस पर देकर ऑनलाइन क्लासेस हमारे साथ जुड़ सकते हैं, वही दिल्ली वाली क्वालिटी आपको मिलेगी। आप क्लास डेमो क्लासेस दिया हुआ है, आप उसमें जा करके देख सकते हैं। और प्रतिदिन की घटनाक्रम अगर आपको देखना है, जो यूपीएससी जेपीएससी के लिए जरूरी है, अंतर्राष्ट्रीय और जो करेंट अफेयर्स होते हैं नेशनल, उसके लिए टेलीग्राम में विनय आईएएस के नाम से एक चैनल है, जिसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। रेगुलर आपको उसमें जानकारी मिलती रहेगी, और हमें आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं करेंट अफेयर्स को देखने के लिए, जो प्रतिदिन जो चर्चा में होता है और जिससे क्वेश्चंस आने की संभावना होती है। हमारा नंबर है 9431156794। तो अब सर, सबसे पहले बात की शुरुआत करते हैं कि एग्जाम को लेकर के, 7th, 8th, 9th जो जेपीएससी था, 10th भी उसमें इंक्लूड है, इसे लेकर के जो नई सूचना आ रही है उसके मुताबिक आपको 4 से 6 महीने का वक्त मिल रहा है, क्योंकि सरकार किसी भी बैठक में जेपीएससी को लेकर बात नहीं कर रही है, बल्कि जेपीएससी के कई रिजल्ट को निकाला गया। जैसे आपने देखा कि अकाउंट्स ऑफिसर वाला जो रिजल्ट था वो निकाला गया, इसके अलावा जो सिविल मजिस्ट्रेट का, जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के जो एग्जाम्स थे उसके इंटरव्यू के डेट निकाल दिए गए, उसके रिटर्न के रिजल्ट निकाले गए। इस सबके अलावा झारखंड में संविदा कर्मी को लेकर सरकार बहुत ज़्यादा चिंतित है। झारखंड की सरकार ने कहा है कि वह संविदा कर्मियों की बहाली जल्द करेगी ताकि मनरेगा का काम नहीं रुके। ऐसे में कंप्यूटर ऑपरेटर और पंचायत लेवल पर कई पद खाली है, और इसे लेकर सरकार बहुत चिंतित नजर आती है, क्योंकि हजारों पद खाली होने से पंचायत स्तर पर काम प्रभावित हो रहा है। अब सवाल ये उठता है कि खाली क्यों नहीं होगा, क्योंकि जेएसएससी की वैकेंसी कई वर्षों से नहीं आई है, और जो जेएसएससी सीजीएल की वैकेंसी आई भी थी वह वैकेंसी नदारद हो गई, यानी कि उसमें किसी प्रकार की ज्वाइनिंग की कोई संभावना नहीं रही। नतीजा ये हुआ कि जेपीएससी की वैकेंसी तो डिले हो ही गई, जेएसएससी वाले भी हो गई, वही हाल झारखंड में शिक्षा व्यवस्था का हो रहा है। एक और परमानेंट शिक्षक है, दूसरी और पारा शिक्षक है। पारा शिक्षकों के लिए सरकार ने कई बार कहा था कि वो सारी चीज़ें देगी, वेतन बढ़ाएगी, लेकिन इस बार केंद्र सरकार ने ही राशि घटा दिया, यानी कि पारा शिक्षकों को जो पेमेंट दिया जाता है उसमें केंद्र और राज्य दोनों का हिस्सा होता है। ऐसे में ये राशि घट जाने के बाद अब ये निर्भर होता है कि क्या पारा शिक्षक अब उस खुशी मिजाज से काम कर पाएंगे। पिछले दिनों ही पारा शिक्षकों ने ये कहा था कि सरकार उनके साथ सौतेला व्यवहार कर रही है, राज्य सरकार को सोचना चाहिए, क्योंकि समग्र शिक्षा अभियान का एक पार्ट है पारा शिक्षक, और पारा शिक्षकों के लिए सरकार ने जितने कमिटमेंट किए थे सारे यू टर्न पर चले गए, कोई भी कमिटमेंट पूरा होता हुआ नहीं दिख रहा है। अब ये हो सकता है कि जब चुनाव का वक्त आएगा उस समय में कुछ कमिटी बनाकर इन्हें शांत कर दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल ये नज़र आता है कि पारा शिक्षकों के लिए जिस वेतन की बात की गई थी वो नहीं मिल रहा है, परमानेंट होने के लिए जिस वेतन की बात की गई थी वह भी नहीं मिल रहा है। जो बताया गया था कि कमेटी बना करके सिफारिश करा दिया जाएगा वह भी नहीं हुआ। हर बार एक नई कमेटी बनाई जाती है, वह कमेटी रिपोर्ट किसे सौंपती है किसी को नहीं पता, फिर जब आंदोलन की रूपरेखा तैयार होती है तो नया कमेटी बन जाती है। यही हाल पंचायत सचिव अभ्यर्थियों का है, क्लर्क का है, सिविल कोर्ट के उन तमाम कर्मचारियों का है जो पद के इंतजार में बैठे हुए हैं, यानी कि जो परीक्षा लिखकर बैठे हुए हैं। इसी प्रकार से जेल कारा की एक परीक्षा हुई थी ड्राइवर की, उसका भी कोई अता पता नहीं नजर आ रहा है, और लोग इंतजार में हैं कि जेएसएससी सीजीएल हो जाए। जेएसएससी सीजीएल में इतने कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो गया है कि उसका अब होना बहुत मुश्किल नज़र आता है। वर्ष 2021 में, 2022 में कोई चीज़ें चेंज हो तो ये देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल इसे लेकर बहुत ज़्यादा दिक्कत इसलिए है कि पहली स्थिति डोमिसाइल वाली आ रही है, और डोमिसाइल को लेकर तरह तरह की
पहले भी पूर्व में भी ये दिक्कतें हुई हैं, तो हमें ये नज़र आता है कि फिलहाल झारखंड में ये परीक्षा होने वाली नज़र नहीं है। यही हालत JTET को लेकर के, जो झारखंड में टीचर परीक्षा होने वाली थी उसके लिए भी कोई डेट नहीं है और ना ही कोई कमेटी की रिपोर्ट आई है। ऐसे में आप कब तक तैयारी घर में करते रहेंगे? फिलहाल JPSC को लेकर ही आप सभी लोगों की आशा है, जो परीक्षा जल्द से होने वाली है, बाकी कोई भी चीज़ अब पटरी पर नज़र नहीं आ रही। 10 अक्टूबर को चुकी UPSC PT की परीक्षा होगी इस वर्ष की, और उसके बाद ही JPSC की संभावना बनती है। तो JPSC इसलिए आपके पास में समय मिल रहा है, आप अभी मेंस की तैयारी में लगिएगा, और मेंस की तैयारी करने से आपकी PT की तैयारी हो जाती है। ये एक भ्रांति है बाजार में कि पहले PT की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि आप PT की तैयारी करते हैं तो आपका थोड़ा सा लेवल कम ही हो जाता है, और जो बच्चे मेंस की तैयारी कर रहे हैं वो अपर एज लेकर के आपके ऊपर आ जाते हैं और उनका सिलेक्शन हो जाता है। आपको ये भी समझना होगा कि पिछले वर्ष जो लोग इंटरव्यू तक गए थे उसमें से अधिकांश छात्र इस बार फिर से उम्मीदवार हैं। जो लोग पिछले बार मेंस पास किए थे 6103 लोग, उसमें से भी अधिकांश उम्मीदवार इस बार फिर से उम्मीद से 7th, 8th, 9th, 10th में उम्मीदवार हैं। तो वो सारे बच्चे का भी कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी हाई होता है। अगर आप नया कैंडिडेट हैं, नया तैयारी कर रहे हैं, तो हमारा सलाह होगा कि समय अगर मिला है तो पहले मेंस की तैयारी कीजिए, PT बाद में कीजिएगा। आप ये सोच में मत रहिए कि आप PT के लिए कोई गाइड खरीद लेंगे, कोई बुक खरीद लेंगे, उसे सरसरी निगाह से देख लेंगे और आपका सिलेक्शन लिस्ट में नाम आ जाएगा। आपको ये समझना है कि लाखों स्टूडेंट बैठते हैं, उसमें से 200-300 लोगों का फाइनल सिलेक्शन हो पाता है। यानी कि अगर 3 लाख बच्चे भी बैठ रहे हैं किसी एग्जाम में, तो उसमें से 200-300 के बीच में आपको अंतिम रूप से आना है, जो बहुत बड़ी चुनौती होती है। इसलिए आप प्रतिदिन कम से कम 4 से 6 घंटे की रेगुलर तैयारी कीजिए। आप घर में हैं, आप रेगुलर तैयारी करेंगे 4 to 6 hours का। जो सब्जेक्ट को पढ़ते हैं उसको बार बार पढ़िएगा, यानी कि बहुत ज़्यादा स्टडी मटेरियल आप अलग अलग स्थान से जब पढ़ना शुरू करते हैं तो आपको याद कुछ भी नहीं होता है, और आपको कुछ समय के बाद दिमाग में हौच-पौच नज़र आएगा, आपको लगेगा कि आपको कुछ भी याद नहीं है, कहीं का कोई चीज़ मिक्स हो जाएगा। इससे बेहतर होता है कि आपने जो नोट्स बनाया, ये जो नोट्स आपने या तो हमारे यहाँ से मंगवाया, कहीं और से मंगवाया, हमारी एडवांस नोट्स तैयार हो चुकी है। जो लोग पहले बेसिक नोट्स मंगा चुके हैं, अब वो व्हाट्सएप में मैसेज करके एडवांस नोट्स मंगा सकते हैं। अब आपको ये बता दें कि बेसिक नोट्स और एडवांस नोट्स में क्या अंतर है। बेसिक नोट्स चैप्टर वाइज है और साथ ही साथ उसमें सिलेबस को कवर करके चैप्टर समझाया गया है, जबकि एडवांस नोट जो होता है वो एंसर और राइटिंग के फॉर्म में, जिसमें शॉर्ट आंसर्स भी दिए हुए हैं और लॉन्ग आंसर भी दिए हुए हैं। आपको ये चेक करने के लिए vinayasacademy.com पर जाएंगे, और जैसे ही आप उसमें जाएंगे आपको कुछ क्वेश्चंस जरूर नज़र आएंगे मॉडल, जिसका आंसर कुछ शॉर्ट आंसर्स भी है, जो UPSC के लिए होता है 250 words में, 150 words में, लेकिन जिसकी लेंथ 400-500 words की होती है, 600 words की होती है, वो JPSC और BPSC के लिए होता है। लेकिन दोनों का एक महत्व है, आपको दोनों क्वेश्चन बनाने सीखना चाहिए। हमारे साथ आप ऐसे जुड़े रहेंगे। हमसे जुड़ने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। नमस्कार नमस्कार, हमारे साथ इस समय में रोशन कुमार है। झारखंड जैसे राज्य में और पिछले राज्य में जहाँ पर सुविधाओं की कमी है, वहाँ पर आप यूट्यूब के माध्यम से लोगों से जुड़े हैं और स्टूडेंट को गाइड कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। सबसे पहले तो मैं अपनी सफलता का श्रेय माता पिता को
और खास करके विनय सर को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा उनके मार्गदर्शन में मैंने ये सफलता पाई। आपके वीडियोस को देखकर भी सर बहुत हेल्प मिलती है बच्चों को। हमारे साथ में नीतीश कुमार है, इस बार शिक्षा सेवा में दूसरा रैंक आया है झारखंड में, और सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार आईएएस की भी इंटरव्यू दिए हुए हैं, कई राज्यों की भी इंटरव्यू फेस किए हैं, वर्तमान में प्रचार्ज के रूप में कार्यरत है। आपको सर मेरे तरफ से सर बहुत धन्यवाद सर, कई बार हमने इंटरव्यू कई राज्यों में दिया है लेकिन कभी सफलता पूरी रूप से मुझे मिल नहीं पाई, लेकिन सर आपके साथ जुड़े तो सर आपने बताया कि इस बार आप निश्चित रहे और मेहनत भी सर आपने कराया है सर, और आपके साथ जो सर बैठ के सर चीजों को हम लोगों ने डिस्कस किया सर, मैं जीवन भर अब नहीं भूल सकता। अगर अच्छे मेंटर मिल जाते हैं सर, जैसे मिले आईएएस अकेडमी में आपका सर, वो बहुत ही अच्छे उसे हेल्प मिला सर, समय समय पर आपने जो गाइडलाइन दी है सर उससे हमको सच्चाई बूटी का काम करता रहा है, और बहुत मदद की आप कहीं यूट्यूब चैनल हो चाहे टेलीफोनिक को आपने हमेशा हौसला बढ़ाया, और सर से जितना भी परेशान करना है सर होगा कि नहीं मतलब चिंता मत करो, अगर इतना आ रहा है निश्चित तो सर वो सही। कुंदन कुमार जी आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, पहले जो भी इंटरव्यू के टिप्स थे या बहुत सारे जो आप इंटरव्यू के जो मॉक सेशंस होते थे लोगों के वो शेयर करते थे या बहुत सारे क्वेश्चंस को बताते थे कि कैसे हाउ टू अप्रोच द इंटरव्यू, तो वो काफी हेल्पफुल रहा था सर। विनय आईएएस एकेडमी के लिए क्या कहना चाहते हैं? इसके लिए तो हमारे पास शब्द नहीं है, आपसे मिलना हुआ ये हमारा सौभाग्य था। सर आपके मार्गदर्शन में विनय आईएएस एकेडमी झारखंड में तो सर काफी अच्छा काम कर रहा है, और इसका कुछ ब्रांच अगर दिल्ली में भी खुलता है तो खुद बाकी स्टूडेंट है उनके लिए बेनिफिट रहेगा। दिनेश सर तो नाम हो गया सर, लेकिन अगर कहा जाए तो आप द्रोणाचार्य हैं सर, आप द्रोणाचार्य हैं, और द्रोणाचार्य आपके बाद आपके शरण में जाने के बाद में क्या बोलते हैं सर कि ऐसे से आप गुण और सिखाए शिक्षा दिए हैं जो बच्चे सर कहीं बाकी बच्चे भारत के अंदर या झारखंड के अंदर कहीं भी रहेंगे वो हमेशा आप काम करेंगे सर, और संस्थान को हम यही बोलेंगे कि आपने बहुत मेहनत करके सर बच्चों को सिखाया, हम लोग को बस सिखाया सर, और हम लोग को जो फायदा हो रहा है सर आप द्रोणाचार्य हैं, और द्रोणाचार्य के कभी सर लोग सोचे हैं कि आपके नाम को कभी हम लोग हमेशा ऊंचा रखेंगे सर। बात तो आपसे पहले भी होता था सर, लेकिन जब मेंस एग्जाम निकाले उसके बाद आपका इंटरव्यू हम उसे कभी अभ्यास नहीं किए थे ना मॉक इंटरव्यू कभी दिए थे, तो आपका जो 3-4 मॉक इंटरव्यू लगातार मिला उससे बहुत फायदा हुआ सर, और ओबेसली बोले तो आपका बहुत सा क्वेश्चन जो आप कराए थे मॉक इंटरव्यू में यूपीएससी का फाइनली इंटरव्यू में काम आया। जी सर हाँ बहुत फायदा है, काफी कॉपरेटिव है आप, और जो चीजें आप काफी रिलेवेंट चीजें वहाँ पे डिस्कस करते हैं, इन्हें ऐसे अकेडमी जिन्होंने साक्षात्कार में महत्वपूर्ण आपका जो सर विनय सर का योगदान रहा जी जी